क्लास 12 मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में हम एक्सरसाइज 5i के लास्ट क्वेश्चन बारे 31 में, तो लास्ट क्वेश्चन में इफ y इज इक्वल टू x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin इनवर्स x / a देन प्रूव दैट dy / dx बराबर, ये प्रूव करना है। तो हमने पहले y इज इक्वल टू x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin इनवर्स x / a इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे dy / dx। दो फंक्शन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, इसका डिफरेंशियल करेंगे। ये रूट में पावर है यानी कि 1/2 पावर है, 1/2 आगे आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट का भी डिफरेंशियल करेंगे, a स्क्वायर का डिफरेंशियल 0, x स्क्वायर का डिफरेंशियल माइनस के 2x। अब ये फर्स्ट फंक्शन होगा डिफरेंशियल सेकंड। अब सेकंड फंक्शन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट इनटू x का ये डिफरेंशियल होगा 1 होगा। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे a स्क्वायर जो होगा तू sin इनवर्स x के हिसाब से 1 / अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर / a स्क्वायर इनटू x / a का डिफरेंशियल होगा 1 / a माइनस के x और माइनस के x की x में इनटू करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर आ जाएगा। ये पावर माइनस की 1/2 आएगी, वो नीचे जाकर हो जाएगी अंडर रूट प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है जितनी जा गया। यहां पे हम a स्क्वायर जुगा तू इसमें एलसीएम लिया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जो नीचे a बचेगा यहां पे वो वाला a ऊपर चला गया, यहां पे इस a से ये वाला a कट गया। अब ये दोनों टर्म डिवाइड में डिनोमिनेटर है, दोनों का हर समान है, तो हमने इस पे से इसको घटा दिया, a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हमारा जुगा तू। तो इसमें से हमने इसको घटा दिया तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से इसको काट देंगे तो रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, ये भी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगी तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना। तो ये 5i एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब एक्सरसाइज चलेगी अगली 5j, तो 5j में हमारा डिफरेंशिएशन करने का तरीका चेंज हो जाएगा क्योंकि अब क्या करना है, डिफरेंशिएट ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन, इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है यानी कि अस्पष्ट फलन, जो फलन आपस में मिक्स है जिनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। अब तक क्वेश्चन में सारे x के फलन थे, एक साइड में y एक साइड था, जैसे कि ये क्वेश्चन है y एक साइड बाकी सारा x का फंक्शन, लेकिन इसमें मिक्स फंक्शन आ होगा, इसमें x का भी होगा y का भी होगा, दो टर्म तीन टर्म जितने भी उनमें x y मिक्स होगा। तो फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हमारा ये क्वेश्चन है, इससे आपकी समझ में आओगी इसका मेथड क्या होगा। तो हमने इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर दिया, हिंदी में बोले तो x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे, a स्क्वायर तो है कांस्टेंट जुगा तू रहेगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ऐसे b स्क्वायर कांस्टेंट है जुगा तू रहेगा, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, क्योंकि हम डिफरेंशियल कर रहे हैं x के सापेक्ष या विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन है y का, फंक्शन है y का, तो y का भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो y का डिफरेंशियल कैसे करते हैं, y इसका करेंगे हम dy / dx, तो इसको इकट्ठा लिख रहे इकट्ठा dy / dx। इस पूरी एक्सरसाइज में जहां y आएगा y का इनटू में डिफरेंशियल dy / dx करना पड़ेगा हर एक टर्म में जहां भी y मिलेगा आपको। तो इसमें हमने ये जो टर्म है हमारी ये प्लस की उधर जाकर होगी माइनस की, ये 2y / b स्क्वायर dy / dx, 2 से 2 कट गया, dy / dx इज इक्वल टू माइनस के x / a स्क्वायर, ये टर्म उधर जाएगी तो b स्क्वायर तो पहुंच जाएगा ऊपर, y आ जाएगा नीचे, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस के b स्क्वायर x / a स्क्वायर y, ये इसका आंसर आ गया। दैट्स ऑल, इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन करिए आप, इसके फोटो में एक्सरसाइज का नई एक्सरसाइज भेज रहा हूँ आपको, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको आगे की वीडियो मिलती रहे और आपका कार्य ठीक प्रकार से चलता रहे।